एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार के टाउन पार्क के सामने की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि अब हाथ के अंदर झाड़ू लेकर के नगर निगम के काफ़ी सारे सफाई कर्मचारी यहां आपको देखने को मिलेंगे और ये जगह पूरी साफ करवा दी गई है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है, तो आपको बता दूँ हिसार की जानी मानी जगह है ये, PLA के अंदर पड़ने वाला टाउन पार्क, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता। यहाँ पर शाम के समय काफ़ी ज़्यादा रेहड़ियाँ लगा करती थी। ये पूरा का पूरा टाउन पार्क जो है उसके सामने का एरिया रेहड़ियों से घिरा रहा करता था। फास्ट फूड की जितनी भी रेहड़ियाँ थी, खाने पीने की रेहड़ियाँ थी, वो सब यहाँ पर बकायदा खड़ी हुआ करती। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार शहर के टाउन पार्क के सामने की गई है। आप लोग सामने का एरिया देख सकते हैं, पूरा का पूरा खाली करवा दिया गया है और ये खाली करवाया गया है नगर निगम की तरफ से। जी हाँ, नगर निगम कमिश्नर की तरफ से ये पूरा एरिया खाली करवा दिया गया है। हालांकि अगर रेहड़ी वालों की बात की जाए तो जो रेहड़ी वाले हैं, वेंडर्स हैं, जो पहले PLA के अंदर जो है पार्किंग के अंदर रेहड़ियाँ लगाया करते थे, वहाँ से खाली करवा दिया गया था। उसके बाद अब टाउन पार्क के सामने जो है नगर निगम के कमिश्नर ने आकर के सारी की सारी रेहड़ियाँ हटवा दी हैं और पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खाली करवा दिया है। आप लोग देख सकते हैं सफाई व्यवस्था के चलते यहाँ पर जो है पानी से सफाई की जा रही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं JCB यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सफाई जो है वो यहाँ पर बकायदा चल रही है। क्रेन यहाँ देखने को मिलेगी, बड़े बड़े पाइप यहाँ देखने को मिलेंगे। आखिरकार ऐसा हिसार के टाउन पार्क के सामने क्या हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ से रेहड़ियाँ हटवा दी गई है? सर, नगर निगम से आप मुझे ये बताइए कि आज यहाँ से रेहड़ियाँ हटवा दी गई, पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यही है, ऐसे कंप्लेंट आ रही थी काफ़ी बार। अच्छा, किस तरीके की कंप्लेंट आ रही वगैरह है? कूड़ा वगैरह जलाते थे या सफाई व्यवस्था प्रभाव थी, इसी को देखते हुए नगर निगम ने कदम उठाया। ठीक है, अभी जो ये पाइप्स यहाँ पर आप लोग लेकर के आए, सफाई की जा रही है, पाइप्स का क्या काम है? पाइप तो गंदगी जम रही थी इसके ऊपर, साथ के साथ तो सारी सफाई तो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या इस टाउन पार्क के अंदर कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। हाँ, एडिशनल चार्ज है। किस कहाँ का एडिशनल चार्ज मिला है? हुड्डा का मिला है। हुड्डा का मिला है, तो इस वजह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुझे बताइए जो यहाँ पे रेहड़ी वाले रेहड़ियाँ लगाए करते थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए यहाँ से तो कंप्लेंट थी, बाकी और अदर जगह पे उनको लोकेशन दी हुई है, ठीक है, वहाँ पर लगाए जहाँ पर पब्लिक को दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कंप्लेंट की, तो लोगों की तरफ से क्या क्या कंप्लेंट आ रही थी? वे यही थी, खासकर तो रेहड़ियाँ थी, गंदगी फैली हुई थी पार्क के सामने, जो कि पब्लिक एरिया है, यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको पता ही बात का। तो आपको बता देते हैं कि बड़ी कार्रवाई के तहत इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी रेहड़ियाँ हैं वो हटवा दी गई हैं। पूरा PLA आप लोग देख सकते हैं, जितने भी रेहड़ी वाले हैं सब एक जगह आकर के इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी रेहड़ियाँ वो गली के अंदर ला करके खड़ी कर दिए। ठीक टाउन पार्क के बिल्कुल साथ के अंदर जो PLA की तरफ सड़क जाती है वहाँ पर सारी रेहड़ियाँ आकर के इकट्ठा हो चुकी है। वहीं अभी जो है इनको यहाँ से भी अलविदा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं लोग जो है अपना अपना सामान सिर के ऊपर उठा करके ले करके जा रहे हैं। जितने आइसक्रीम वाले हैं उनकी आइसक्रीम धूप के अंदर खड़े खड़े पिघल चुकी है। मुझे ये बताइए कि यहाँ से आपकी रेहड़ियाँ हटवा दी गई, पहले यहाँ से हटवाई गई फिर यहाँ से हटवाई गई, आप लोगों का क्या कहना है कि अब आप लोग क्या करेंगे? हमारा क्या कहना है मैडम, मेन प्रशासन का जो मेन मुद्दा ये क्या कि जितने भी गरीब है दो तबके बना दिए जी, एक अमीर एक गरीब, और दोनों के कानून भी अलग अलग है। गरीबों के लिए एक अलग ही कानून है, हालांकि स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014 उसके तहत जितने भी रेहड़ी वाले हैं उनको जगह देना कानून का प्रशासन का काम है, ये कोई ये भीख नहीं मांग रहे हैं। उसके बावजूद पहले तो हमें PLA से हटाया गया, किसी वकील ने एक कंप्लेंट की गई थी जी कि यहाँ पर रोड जाम वगैरह था, रोड को हटाना या यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व होते तो उन्हें प्रशासन का काम होता है ये चीज़ हटाना, लेकिन सारी जिम्मेवारी रेहड़ी वालों के ऊपर डाल दी जाती है। आज आए यहाँ पर वो बोले कि नगर निगम वाले ये हमारे अंडर आ चुकी है सारी जगह और हम यहाँ पर सफाई करेंगे, आप एक बार रेहड़ी हटा लो 5 बजे लगा लेना, हमें सबको यही बोला गया। लेकिन अब ये करने के बाद नगर निगम कमिश्नर से जब हम बोले जी अब हम क्या करें, तो बोले आपकी रेहड़ियाँ नहीं लगेगी। तो मैंने, हम पहले भी नगर निगम में धरने पे बैठे थे, उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमिश्नर साहब ने कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की जो रेहड़िया है वो हम परमानेंट स्थायी समाधान कर देंगे। मुझे ये बताइए कि गुस्सा कितना ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग आज जितना भी सामान बना करके लेकर के आए होंगे बिक्री अभी तक नहीं हुई होगी और सारा का सारा सामान खराब हो चुका होगा। अभी तो मैडम ओपन भी नहीं की थी कि उससे पहले मार्केट हटवा दिए, सभी जितने भी गरीब तबके से लोग हैं और सारा कच्चा माल होता है, मतलब ये अगले दिन के लिए यूज वाला माल नहीं होता, सबका हजार है। मेरी फ्रूट चाट की है मैडम, फूड चाइनीज का है मैडम, हमारा फास्ट फूड का। आपका? दही भल्ले। दही भल्ले, आपका क्या सामान? बेलपुरी।
भेलपुरी। आपका? चाइनीज आइटम। आपका क्या है? मेरा एग रोल का है। और आपका? कुल्फी का। यानी कि कुल्फी तो सारी पिंगल गई होगी? नहीं, पिंगली तो पिंगल जाएगी मैम, नहीं बिकेगी तो पिंगली। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पहले आप लोगों को यहाँ ज़मीन दी गई थी, उसके बाद कहा गया कि आपको टाउन पार्क के सामने ज़मीन दे देते हैं, वहाँ लगा लीजिए, लेकिन अब वहाँ से भी हटवा दी, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे मैडम, हमारे लाइसेंस बनाए गए हैं बकायदा, और हमें आश्वासन भी दिया गया था कमिश्नर की तरफ से कि आप लोगों को 15 दिन के अंदर स्थायी समाधान आपका कर देंगे, बार बार से ये हटाने वाला नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि हम इस पर काम करेंगे, ये नहीं बताएंगे कब तक होगा, तब तक आप अपने घर बैठिए। प्रशासन का रुख बड़ा हमारी रेडियो वालों की तरफ बड़ा सख्त है, और उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारा सामान खराब हो, कुछ भी हो। आप ये कह रहे हैं बार बार, लेकिन नगर निगम के कमिश्नर की अगर बात की जाए तो नगर निगम के कमिश्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया है हुड्डा डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुझे ये बताइए कि एडिशनल चार्ज मिल चुका है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कमिश्नर की तरफ से आपको बाकायदा एक और जगह ज़मीन दे दी जाएगी, तो क्या आप उससे भी संतुष्ट नहीं है? हमें कोई जगह नहीं दी जा रही जी, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया जा रहा जी। हमें आज हो गए 3 साल लगातार निगम के चक्कर काटते हैं, उड्डा के चक्कर काटते हैं जी, वहाँ भी हमें सिर्फ यही बोला जाता है कि आपका प्रोसीजर चल रहा है। हालांकि आप सोच सकते हैं 2014 का कानून और आज 2023 चल रही है जी, आज तक वो लागू नहीं हुआ है, ये हम ना कामयाबी बोलेंगे प्रशासन की। लोग कहते हैं कि आप लोग गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। हमने गंदगी के लिए अपने पर्सनल 2 सफाई वाले सिक्योरिटी गार्ड भी बकायदा रखे हुए हैं जी, लेकिन ये हालांकि काम किसका है जी, प्रशासन का होता है, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर पर करते हैं। कितने सालों से रेडी लगा रहे हैं आप? मुझे 8 साल हो गए जी, जितने भी रेडी वाले कम से कम 8 से 10 साल हो गए जी इनको यहाँ पर काम करते हुए, और हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। अब हमारा अगला निर्णय कल 10 बजे हम नगर निगम के अंदर वहाँ पे धरना देंगे, और ये नहीं पता वो कब तक चलेगा, हम किसी आश्वासन में नहीं, स्थायी तौर पर हमारा काम होगा तो हम उस चीज़ को मानेंगे। अच्छा, पहले जो है आप लोग यहाँ पर रेडी लगाया करते थे, उसके बाद आप लोगों ने पीएलए के सामने, टाउन पार्क के सामने रेडी लगानी शुरू की, नुकसान कितना ज़्यादा झेलना पड़ा? बिल्कुल नुकसान, वहाँ पर काम ये था जी, मतलब ये तो था नहीं कि जैसा काम हमारा पीएलए में था, ये था कि अपना घर गुजारा चल रहा था बस इतना था, लेकिन वो भी प्रशासन को सहन नहीं हुआ, वहाँ से भी अब हमें हटा दिया गया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हम हमारे रेडियो वालों के ऊपर 1 मिनट में ये कार्रवाई कर देते हैं, उड्डा के किसी भी आप जाकर देख सकते हो एक प्लान के अंदर, जितने भी ये कोठियाँ देख लो दोनों साइड दरवाजे है जी, इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। उड्डा के प्लान के अंदर सिर्फ एक साइड दरवाजा और आउट होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो उनको कोई कुछ नहीं कहता, कोई एक्शन नहीं होता। दुकान वालों की तरफ देख लो, सारे बरामदे फुल पाएंगे राज, लेकिन सिर्फ एक रेडी वाला है, अगर पॉलीथीन चलान होगा तो रेडी वाले पे होगा, अतिक्रमण वाला होगा तो रेडी वाले के ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं दो धड़ों में बांट दिया, एक गरीब एक अमीर, सुनवाई सिर्फ अमीर की है, कोई एप्लीकेशन लगाकर रेडी वालों को 1 मिनट में हटवा देता है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि रेडी वालों का मानना है कि सुनवाई जो है सिर्फ अमीर की होती है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? एक रोल का। अच्छा, ये बताइए शादीशुदा होंगे, कितने बच्चे हैं? अभी 4 बच्चे हैं। घर के अंदर कमाने वाले कितने हैं? 2 हैं। 2 है आपके घर के अंदर कमाने वाला? मैं हूँ। आप ही? आपके घर के अकेले हैं जी? आपके घर के अंदर अकेला हूँ जी। आपके घर? मैं अकेला ही हूँ। आपके घर के अंदर? तो सारे के सारे आप अपने घर का सारा खर्चा उठाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार के अंदर नगर निगम कमिश्नर की तरफ से की गई है, जिनका बताया जा रहा है कि उन्हें एडिशनल चार्ज मिल चुका है हुड्डा डिपार्टमेंट का, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता देते हैं अगर टाउन पार्क की बात की जाए तो टाउन पार्क जो है पहले हुड्डा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ पर जितने रेडी वाले हैं सबका कहना है पहले कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया गया इनको, और ये भी बताया जा रहा है कि ये टाउन पार्क जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर निगम के कमिश्नर जो है प्रदीप दहिया, उनको एडिशनल चार्ज मिल चुका है हुड्डा डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त यहाँ देखने को मिली है। आज यहाँ पर कमल गुप्ता भी आए थे, जी हाँ, जो हिसार से विधायक और बाकायदा शहरी एवं नगर निकाय मंत्री है, साथ ही साथ मेयर गौतम सरदाना भी आए थे, उनका क्या कहना है वो सुनवाते हैं आपको। गौतम जी और मैं यहाँ आए हैं, आप तब से हमारे साथ चल रहे हैं और हमारी हर चीज़ को आप नोट भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बताने के लिए तो कोई बात रही नहीं, पर फिर भी आपने पूछा है तो हमारा ये मत था कि जो हुड्डा का पार्क है ये टाउन पार्क, हमने हालांकि 282 पार्क हैं उनमें से 100 से अधिक पर हमने धौलपुर का पत्थर लगवाया है और कई पार्क हमने चमकाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने रात को 10 बजे मुझे और गौतम जी को फ़ोन किया कि मुझे तो पार्क दिखाने हैं, तो उनको हमने पार्क दिखाए। तब से उन्होंने कहा कि आप कमल जी पूरे प्रदेश में घूमो, पूरे प्रदेश में घूमने के साथ में 19 जिलों का दौरा भी कराया, तो
तो हमारे मन में एक बड़ी उनसे जो है प्रेरणा मिली, तो हमने पार्कों को और अधिक रूप से और ना केवल हिसार के बल्कि पूरे हरियाणा के उनका रेनोवेशन करने का बीड़ा उठाया है, सभी जगह कहा है। अभी क्योंकि ये पार्क हुड्डा में था और हुड्डा से शायद ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उनकी कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, तो हमने हुड्डा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने उनसे प्रार्थना की कि इसको निगम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी ही इच्छा हमारे मेयर साहब की भी थी, तो वो विद इन 7 डेज वो इच्छा पूरी हुई। और आज और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो कमिश्नर हैं प्रदीप दहिया जी, उनको एडिशनल चार्ज भी हुड्डा का मिल गया। तो जब कई दफ़ा कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, क्या बदलाव नजर तो आएंगे सर? अब आपको हम बता दें कि ये आप 2-3 महीने के बाद देखेंगे, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसकी पगडंडी, दीवारें, घास, वृक्ष और जितने भी इसमें फवारे लगे हुए हैं, जितने भी और भी जगह जहाँ ये टॉयलेट्स की बात है, पानी की बात है, एक और टॉयलेट भी बनाने की बात है, हम इसका एक कंसल्टेंट हायर करेंगे और उस कंसल्टेंट की सलाह पर हमारा प्रयास रहेगा कि ये पार्क पूरे देश का, ना केवल हरियाणा का, पूरे देश का सबसे अच्छा पार्क बने। पूरे हरियाणा के लिए और भी योजनाएं हैं सर आपसे? नहीं, पूरे हरियाणा की तो मैंने आपको बताया ना, पार्कों के लिए मैं बताया आपको, हमने जो यहाँ की सड़क बनाई है 10 किलोमीटर की, जिसपे तिरंगा लाइट्स हैं, जिसके रास्ते में 6-7 चौकस हैं, उन पर जो जिस किस्म के फुहारे लगे हैं, हमने इसकी एक फिल्म बनाकर पूरे प्रदेश में 19 जिलों में तो मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ के पार्क्स की फ़ोटो भी दिखा चुका हूँ, यहाँ की जो पार्किंग की मार्किंग है, जिस तरह से यहाँ हमने पार्किंग की मार्किंग की है, और मैंने सड़क पर काफ़ी जगह देखा है कि जो सड़क की बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के बाहर लोग अपनी गाड़ियों को और मोटरसाइकिल को पार्क करने शुरू हो गए हैं। पूरी सफलता शायद अभी नहीं मिली, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 70-80% चेंज मैंने लोगों में देखा है। वी हैव बीन सक्सेसफुल टू क्रिएट दी टेस्ट टू पार्क दी व्हीकल इन ए नाइस वे। आप एक दो जो पार्किंग है आप देखिए, जो कोर्ट्स में पार्किंग है उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट भी क्रिएट होने लगा है। हमने यहाँ जो ऋषि नगर का जो शमशान घाट है, उसके सामने 6 एकड़ की ज़मीन में भी एक नई कंसेप्ट के साथ एक ड्राइंग देखी है, 3-डायमेंशनल ड्राइंग देखी है। आप चाहेंगे तो आपको भी दिखा देंगे। तो ये सब चीज़ें हर तरह से न केवल हिसार का, बल्कि जो ULB के अंदर 88 शहर आते हैं, 11 शहर तो हिसार या हिसार से बड़े हैं, 23 शहर अपने हांसी, भिवानी, दादरी, सरसा इस लेवल के हैं, और 54 जो हैं वो हमारे आदमपुर, बरवाला, उखलाना इस लेवल के हैं। तो ऐसे 88 शहर हैं। हम ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, ये जो सौंदर्य का काम है, ये जो पार्कों का काम है, ये जो पार्किंग की मार्किंग का काम है, ये सारे काम हम 88 के 88 शहरों में, ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि बाकी जगह की, इसलिए मैंने ये जवाब दिया कि 88 के 88 शहरों में, और हमने उनको टारगेट डेट भी दी, हमने कहा 31 मई तक ये काम पूरा करें। तो हमारा प्रयास है, तो आप अच्छा कर रहे हैं, पर लेकिन गलियों की जो सफाई की व्यवस्था सही नहीं हो पाई, उसके बारे में भी हमने एक मॉडल बनाने की कमेटी बनाई है। वो ये देखेगी कि पूरे हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है, वो तो हमें पता ही है, शहरों में कितने घर हैं, उन घरों के हिसाब से एक व्हीकल जो है वो मान लो 400 घरों से डोर टू डोर इकट्ठा कर सकता है, तो उसको 400 से डिवाइड करके उतने वाहनों की व्यवस्था हम करें। क्योंकि ये जो मॉडल कोड है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमें पता होगी, उतनी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे। तो हमारा ये मेजर इशू है, पायलट प्रोजेक्ट है, कि हम हरियाणा के एक एक घर से कूड़ा उसके घर से जाकर उठाएं, और मैं समझता हूं कि 3-4 महीनों में शायद हमें सफलता इसमें मिले। डोर टू डोर की भी बात मैंने आपको बताई, आपको स्वीपिंग की भी बात बताई, कि अनेक प्रकार के, हाँ बोलिए, इंदौर का नहीं, ये सारी जो बातें कर रहा हूँ मैं, ये इंदौर की वजह से ही कर रहा हूँ ना, अब हर दफ़ा इंदौर का नाम लेना तो ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा लोग देखा है, हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, हमारी पूरी टीम है और भी, वो सब लोग देखा है इंदौर को,
और किसी को देखने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें कहीं से भी सीखने में, आप सिखा दो, हम तो आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है हिसार देखने के लिए आए लोग 100%, हिसार तो अभी लोग आने लग गए हैं, जो मैंने ये फिल्म आपको भी दिखाऊंगा, ये जो 19 जिलों में दिखाई है, 3 जिले बाकी बचे हैं, फरीदाबाद, नू और पलवल, वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर हमारा आई थिंक जो आज का ये दौरा है, आज हमें ये टाउन पार्क, सबसे बड़ा पार्क हमें जो मिला है मेंटेनेंस के लिए, ये इस बात का प्रमाण है कि हम सुंदरता के लिए, अच्छाई के लिए, स्वच्छता के लिए कितने एक्टिव हैं। सर, आपने अभी सड़क की बात की, आप टाउन पार्क के बाहर से आएंगे, अगर बात करें तो वहाँ की सड़क भी एक ऐसा पॉइंट, वो सड़क भी बनेगी ना, वो सड़क भी बनेगी। हाँ जी, सड़कें आपने फिर देखी नहीं, सड़कें अगर आप देखते तो कभी चक्कर लगाते 2014 से पहले, आज तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज पूरे शहर में भी सड़कें, मैं 100% की गारंटी नहीं करता, लेकिन मैं 95% की बात मैं करता हूँ। चलिए, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कुछ चल रहा है सर? प्रॉपर्टी आईडी भी पूरे देश में हरियाणा पहला स्थान है जिसने इसको अडॉप्ट किया, साहस किया, इसमें बहुत सारी गलतियां थी, वो हमने उसको ठीक करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज हमारी प्रॉपर्टियां लगभग 46,70,000 हो गई, पहले ये डिमांड रजिस्टर में ये प्रॉपर्टियां 34 लाख थी, 34 लाख को 46 लाख प्रॉपर्टियों में जो हमने एक एक इंच को नापा है, अब इसको जब इंटेग्रेट कर रहे हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा काम है, गलतियां होना स्वाभाविक भी है, और कई जगह इसमें बदमाशी भी हुई है, तो उस सब को चेक करने के लिए हमने बड़े बड़े हेल्प डेस्क लगाए हैं, और हमने अभी कुछ दिन पहले सब पब्लिक को एक एक्सेस दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का खुद चयन करे, खुद करेक्ट करे, तो ये हमारा प्रयास है कि आने वाले 1-2 महीने में हमारी प्रॉपर्टीज की इंटेग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये सड़कों पर जाएं तो बहुत अच्छा काम दिखता भी है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन आपका धन्यवाद कि कम से कम आपने कुछ तो स्वीकार किया। लाइटें भी बहुत खूबसूरत लगती है, और भी तारीफ कर देते हैं आपकी, लेकिन इंटीरियर में अभी 10 दिन मिलगेट का भी प्रोटेस्ट रहा, और अगर हम पड़ाव चौक से मिलगेट की बात मैं बता देता हूँ आपको, मिलगेट का आपने जिक्र शुरू किया, देखिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब उस सड़क का 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि 25 करोड़ रुपए के आप काम करवाइए, हमने उसमें से 9.5 करोड़ रुपया, हालांकि उसका आधा भाग मेरे क्षेत्र में नहीं आता, वो बरवाला में आता है, पर मैंने इसका कोई विचार नहीं किया, मैंने कहा वो भी अपना ही है, उसके लिए 9.5 करोड़ रुपए की मैंने सैंक्शन ग्रांट की। अब उसका टेंडर हो गया, उसका जो DNIT थी वो बन गई, सब कुछ बन गया, पता लगा लोगों को कि ये तो काम पूरा होने वाला है, इसलिए ले लो श्रेय। अब ये मैं तो कहता हूँ कि ये पार्क भी अभी 2 महीने में सुंदर बन जाएगा, तो किसी ने बैठना है तो बैठ जाए यहाँ पर, राम रन अंचल का सफाई को लेकर बड़ा इशू अभी पेंडिंग पड़ा है कि प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन नहीं मिली। नहीं, ज़मीन मिल गई है हमें, उसकी पेमेंट भी हमने कर दी है, हांसी में एक गांव है वहां पर मिली है, और वो लगभग कितने एकड़ है साहब, वो हांसी वाली ज़मीन कितने एकड़ है सर? वो हमारी 18 एकड़ ज़मीन है, 2 करोड़ कुछ सवा दो करोड़ है, उसकी भी बात मैं आपको बता दूं कि अब वो क्या है कि श्रेय तो कोई भी ले लेगा, उसका पैसा हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से मैंने ऑन लोन इनको ट्रांसफ़र किया ताकि ये काम जल्दी चले, लेकिन अब इस बात की तो आपको जानकारी नहीं है ना, वो तो जब वहाँ कोई बैठेगा तब पता लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम जो प्रोग्रेस के हैं वो बहुत जोरों पर हैं, वो सात रोड का एक इशू है सर। हाँ जी, जमीन पे प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाने दे रहे हैं गांव वाले, नहीं कोई बात नहीं, अब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई लोग हमारे पास आते हैं कि जी ऑटो मार्केट में टॉयलेट्स नहीं हैं, कोई भी मार्केट है वो कहते हैं जी ऑटो हमारे पास टॉयलेट्स नहीं हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई हम तो 24 घंटे में लगा देंगे, आप जगह बता दो। अब क्या है कि कहीं भी हमारे कर्मचारी लगाने जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी मेरी दुकान के सामने नहीं लगना चाहिए, अब ये वो भी स्वाभाविक है, उसे भी पता है कि ये बन जाएगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, अब ये पूरे देश का जो थोड़ा हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, और वो स्वीकार करने में हम सबका रोल है कि हम जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको ठीक से मेंटेन
नहीं करते हैं। हम तो हमारे घरों के जो टॉयलेट्स हैं वो भी हम बहुत अच्छे तरह से हमारे को जो एक क्लीनलीनेस की जो सेंस होनी चाहिए उसका थोड़ा सा कमी है। और वैसे वहाँ परंपरा रही है कि एक बार बदलाव हमेशा 5 साल में वो लोग करते हैं, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड वो भी टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है कल वहाँ पर आप देखेंगे अच्छे नतीजे आएंगे, तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। एग्जिट पोल और सब मीडिया और जो देखिए एग्जिट पोल का तो पता नहीं कौन, ये मैं नहीं कह सकता, मैं वहाँ रह के आया हूँ, जनता का मूड बता सकता हूँ मैं। जनता का मूड दोबारा बीजेपी को, क्योंकि वहाँ जो किसानों के खातों में राशि आई स्टेट गवर्नमेंट ने 4,000 प्लस करके दी, तो उस चीज़ का भी वहाँ श्रेय मिल रहा है। 6,000 और 4,000-10,000 किसानों के खातों में पहली बार, वहाँ उत्तर क्षेत्र जैसा माहौल नहीं था, किसान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा वो बिल आना चाहिए था, तो वहाँ पर बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा। देखिए हम जब से मैं मेयर बना था और ये यहाँ पे वैसे भी मेरा आना जाना काफ़ी रहता था, और यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं और जो पार्क में सैर करते हैं, जैसे रमेश जी खड़े हैं पुनिया जी, यहाँ भी जब ये सब लोग मिले थे मुझसे, तब सबने कहा था पार्क जो है रेनोवेट अच्छे से होना चाहिए। तो हमने HSVP के अधिकारियों से काफ़ी बार बात करी और इन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन जो नगर निगम के पार्कों की व्यवस्था हम अच्छी कर पाए, आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी तारीफ की, वो जनता के सहयोग से वो पार्क और नगर निगम के और राज्य सरकार के, मतलब सरकार और पब्लिक जहाँ अच्छा काम कर रहे थे, तो पार्क हमारे सुंदर बनते जा रहे हैं और नगर निगम के, तो ये पार्क हमारा तो मुख्य पार्क है। ये एक बड़ी कार्रवाई जो इस वक्त टाउन पार्क के सामने की गई है, आपको बता देते हैं अब आपके खाने पीने के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं बची है। अगर आप लोग टाउन पार्क के पास आ रहे हैं यही सोच करके कि घूमने के साथ साथ कुछ खा पी भी लेंगे, तो आपको बता दो जितने ये रोज़गार इनके पास थे कुछ बेच करके ये लोग कमा रहे थे, ये सारे के सारे अब बेरोजगार होने की कगार के ऊपर हैं। हमें 2 महीने पहले प्रदीप दहिया जी से 5 सदस्य मंडल मिले थे जी, उन्होंने आश्वासन 15 दिन का दिया था और वो 2 महीने हो चुके, अब भी आज हमें झूठ बोलकर यहाँ से हटाया गया है कि यहाँ पे हम सफाई करेंगे और आप 5 बजे लगा लेना, लेकिन आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको लगानी ही नहीं है। बिल्कुल, बात जो है वो दल बदल होती रहती है, कभी कुछ कहा जाता है कभी कुछ कहा जाता है। कल के लिए एक बड़ी चेतावनी इस वक्त जितने भी रेहड़ी वाले हैं उन्होंने दिए कि कल नगर निगम के अंदर जा करके धरना लगाया जाएगा और जो है बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी इनको जगह नहीं दी जाती, इनकी मांग नहीं मानी जाती, तो एक बड़ा आंदोलन ये लोग खड़ा कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के टाउन पार्क के सामने से, और आपकी क्या राय है, क्या यहाँ पर रेहड़ी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।